तो भगवान के कितने विवाह हुए? तीन विवाह हुए, पहला रुक्मिणी, दूसरा जामती, तीसरा सत्यभामा। इधर सुखदेव जी बताने लगे, राजन परीक्षित एक भौमासुर नाम का दैत्य है जिसने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा है, और इसकी ये शर्त थी जब 16,108 हो जाएंगे उस दिन इन कन्याओं के साथ में विवाह कर लूंगा। सज्जन, जब ये कहा 16,100 हो जाएंगे उस समय कन्याओं के साथ में विवाह कर लूंगा। इधर भगवान श्याम सुंदर को मालूम पड़ा, भगवान को ये पता लगा, इस भौमासुर दैत्य ने बड़ा अपराध किया है, कन्याओं को कैद करने के बाद ही कन्याओं का शोषण करता है। भगवान श्याम सुंदर ने भौमासुर दैत्य के साथ में घमासान युद्ध किया, और युद्ध युद्ध में भगवान श्याम सुंदर ने भौमासुर नाम के दैत्य को मार दिया और 16,100 कन्याओं को आजाद किया। और जब 16,100 कन्याओं को आजाद किया मेरे भक्तों, वो कन्याएं हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु आपके सिवा हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम राक्षस की कैद से आई हैं। हमारे पास दो रास्ता बचे, एक तो रास्ता ये है कि या तो हम वेश्या बन जाएं, व्यभिचारिणी बन जाएं, या हम अपनी आत्महत्या को कर ले, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचाए, दुनिया का कोई पुरुष हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम राक्षस की कैद से आई है, राक्षस ने हमारा शोषण किया है। भगवान श्याम सुंदर बोले, ये तो अपराध हो जाएगा। भगवान ने 16,100 विवाह भौमासुर दैत्य की जो कन्याएं कैद थी उनके साथ में किया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने शरीर का कोई आलंगन नहीं किया, शरीर को स्पर्श नहीं किया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन वृक्षत, भगवान के कितने विवाह हुए? 16,103। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन वृक्षत, भगवान का 16,114 विवाह हुआ सत्या के साथ में, और पांचवा विवाह हुआ कालिंदी के साथ में, भगवान श्याम सुंदर का छठवा विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ में, सातवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ में, और भगवान का आठवा विवाह हुआ भद्रा के साथ में। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के कितने विवाह हुए? 16,108। भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो, आइए मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, उसके बाद में यथामति यथा समय कथा में प्रवेश होंगे। तो मैं माताओं से निवेदन करूं, मेरे गांव की माताएं, और इतनी दूर से आप हैरान होकर के आई हो, तो कितनी माताएं ऐसी हैं जो सातवें दिन अपने पतियों के पैर छू के आई, हाथ खड़े करो। पति के पैर छूने में शर्म लगती है, गुरु जी के पैर धो धो करके पी जाएंगे, समझ लो। पति की सेवा नहीं करोगी, चाहे किसी भी साधु के पैर धोकर के पी जाना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये शास्त्र कहता है, शास्त्र का चैलेंज है, याद रखो। एक बात मैं आपसे कहूं, पति परमात्मा होता है, पति को एक ही दिन सम्मान मिलता है साहब, जब करवा चौथ आती है, उसके बाद बेचारा सारे दिन कौन है वो गधा। आपने देखा है, एक लड़के ने ये प्रश्न कर दिया, बोले पापा दूल्हे को कभी गधे पर क्यों नहीं बैठाया जाता, घोड़े पर क्यों चढ़ाया जाता है? बोले बेटा गधे पर गधा नहीं बैठता, ये गधा बनने जा रहा है, इसमें गधे पर गधा कभी नहीं बैठता है, एक ही दिन सम्मान होता है, याद रखो। मैं आपको रामचरितमानस की बात कहूं, मैं आपसे रामचरितमानस की बात कहूं, रामचरितमानस में सीता जी ने राम जी की बात नहीं मानी, क्या मानी थी? राम जी कह रहे सीते सोने का मृग हो नहीं सकता, सीता बोली नहीं मुझे सोने का मृग चाहिए, तो सोने के मृग के बदले में सोने की लंका मिली, बोलो सीता संतुष्ट हुई क्या? सीता खुश नहीं हुई। दूसरा प्रमाण और मैं दूं, सती जी ने भोले बाबा की बात को नहीं माना, भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहते सती ये राम है इनको प्रणाम करो, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत बसारा, और एक राम है जग से न्यारा, इन तीनों में बता सती कौन सा राम तुम्हारा। बोले ये भगवान नहीं है तो दशरथ के बेटा राम है, इनको प्रणाम नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ सज्जनों कि उनको अपने शरीर त्यागना पड़ा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर को त्यागना पड़ा। बोलो कल्याण हुआ? जो माताएं पति के पैर नहीं छूती, पति को परमात्मा नहीं समझती, उनका इस शास्त्र में इस दुनिया में कोई भला करने वाला नहीं है। मैं आपको रामचरितमानस का एक प्रमाण दूं सज्जनों, प्रत्येक माता को अपने पति के पैर छूने चाहिए, मैंने कल भी कहा था और आज पुनः कह रहा हूं, अंतिम दिन की कथा है। माताओं का ये हिस्सा जो होता है कलाई वाला, ये शुक्र होता है,
और पुरुषों का घुटनों से एड़ी तक का हिस्सा शनि होता है और शुक्र का प्रभाव जो शनि पर पड़ता है दोनों जुड़ते ही तो तीसरी चीज निकलती है धन वर्षा होती है। इसलिए माताओं को अपने पतियों के पैर जरूर छूने चाहिए। इसलिए माताओं को पतियों के पैर छूने चाहिए सज्जनों।